हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं यूज़ करूँगी मेजर अरकाना और मेजर अरकाना से मैं लूँगी 5 कार्ड्स और हम चेक करेंगे कलेक्टिव एनर्जी क्या स्टिल हैवी एनर्जी है या कुछ लाइट एनर्जीज हुई हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आज के दिन में। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस। मजिशियन। 3 मोर कार्ड्स। थर्ड कार्ड है डेविल। अब ये आई गए हैं तो कोई हमें दर्शन दे दे, महादेव राधे कृष्ण। 2 कार्ड और चाहिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 2 मोर कार्ड्स। दो कार्ड और चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 1 मोर कार्ड। क्या बात है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यहाँ पर डेविल एंड राधे कृष्ण साथ में आए हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। जो हैवीएस्ट एनर्जी चल रही थी इतने दिन से वो अब स्लो हो रही है। कार्मिक ट्रिगर्स डेफिनेटली आपके पर्सन को मिल रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, फिलहाल अभी मिलते रहेंगे। लेकिन इनको गुस्से में जो होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा खोल रहा है गुस्से में और उसको कोई एक मुस्कुराहट से उसको कोई पूछ ले, बात कर ले या उसको कोई प्यार भरी एनर्जी दे दे तो वो शांत हो जाता है इंसान। उसको लगता है कि नहीं, इस पर गुस्सा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आपके पर्सन, देखिए रीडिंग शुरू हुई है हाई प्रीस्टेस से, मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। आज के दिन में मिलेगी या ऑलरेडी मिल रही है। साथ ही साथ इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनको समझ में आ रही है चीज़ें, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, कौन सही है कौन गलत है, किसके बारे में अच्छा सोचना है, किसके लाइफ में कौन ऐसा है जो इनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, इनका अच्छा नहीं चाह रहा, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इनकी हैप्पीनेस से वो खुश नहीं है। ऐसे पर्सन को ये सिलेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं और उनकी तरफ कोई बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ वी हैव डेविल विद कार्मिक साइकिल, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, एक तो पहले मजिशियन का कार्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने ड्रीम में भी आपको देखा होगा, डेफिनेटली यहाँ पर ड्रीम इनको बहुत विविड आए हैं और इनको टेलीपैथिकली भी कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और ये बहुत जल्द रीयूनाइट होना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। लेट्स क्लेरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन यहाँ पर है पाइसिस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनाई एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सभी साइंस यहाँ पर आए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या बताना चाहती है हाई प्रीस्टेस। मैंने बोला ना, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, इनको इंट्यूशन भी रिसीव हो रहा है, प्लस आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लौट कर आने की एनर्जी है। कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। दिन में भी आपके बारे में सोचना, नाइट में भी आपके बारे में सोचना, प्रायोरिटी भी डिसाइड कर रहे हैं कि किसको चूज़ करना है। अभी मैंने आपसे कहा ना कार्ड लेने के पहले कि किसको चूज़ करना है, कौन इनके लिए सही है कौन गलत है, तो यहाँ पर चॉइसेस के कार्ड आए हैं। मजिशियन क्यों आया है एंजल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्हें गिल्ट हो रहा है, ये आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इतने साल या इतने महीने का रिलेशनशिप है हमारा और मैंने इस रिलेशनशिप में कितना गलत किया है, कितना हर्ट किया है, कितना ट्रिगर किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं ना स्लीपलेस नाइट,
उस तरह की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात रात भर उठ उठ के सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप तक इनकी एनर्जी पहुँच रही हो। बरगंडी क्यों आया है हमारा, क्यों आए हो डेविल, क्यूट डेविल है मेरा। डेविल को डेविल ने क्लेरिफाई कर दिया, देखो कर लो बात। यहाँ पर है कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, वो एंड होगी। होपफुल रहिए, नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं या चाहती हैं, वहाँ पर टावर मोमेंट आ सकता है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। बिकॉज डेविल के साथ देखिए कर्मा साइकिल आई है, और यहाँ डेविल के साथ डेथ आया है विद द स्टार, तीनों के तीनों मेजर अरकाना। तो डेविल जो है वो रिलीज़ होता नज़र आ रहा है, ख़त्म होती नज़र आ रही है सिचुएशन। जो सिचुएशन ख़त्म होनी है वो ख़त्म होगी, जो बैलेंस होनी है वो बैलेंस होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है एंजल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस, इनका विजडम बढ़ रहा है, आपके पर्सन का नॉलेज, ज्ञान बढ़ रहा है, इन सही डायरेक्शन में एक बड़ा फैसला लेने की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस और व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है, मीन्स ये बहुत सोच समझ कर, बहुत ओवर थिंक करके एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं या लेने वाली हैं आने वाले टाइम में। द लवर्स, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। एक और कार्ड लेंगे हम, चलिए हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार रह गया है। आपके पर्सन वर्कआउट कर रहे हैं इन चीज़ों पर, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो रिजॉल्व होने वाली हैं बहुत जल्द। एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगी। और यहाँ पर वी हैव डेविल एंड राधे कृष्णा, तो जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो रिलीज़ होने वाली हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं। जस्टिस को भी क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। डबल एट ने क्लैरिफाई किया, आठ नंबर शनि महाराज का नंबर है, और यहाँ पर जस्टिस को क्लैरिफाई किया है डबल एट ने विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, बंधन में हैं किसी, और डरते हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे। फैमिली का हो सकता है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो सकते हैं, बट आने वाले समय में ये करेज इकट्ठा करके कोई बड़ा डिसीजन लेंगे जिससे आपको जस्टिस मिलेगा। तो ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है जस्टिस के लिए। सो ये रीडिंग्स यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सॉलिट्यूड नंबर 9, मजिशियन अगेन, क्राउन चक्रा, ऑल थ्री मेजर अरकाना एंड डेथ। बॉटम से भी मेजर अरकाना है, वन कार्ड, वन माइनर कार्ड। क्या समय बताऊं मैं व्यूवर्स को, 7-7। ओके देखिए यहाँ 7 आया है, यहाँ पे से डबल 7 आया है, क्योंकि पांचों के पांचों मेजर अरकाना है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हैवी एनर्जी है। आपके पर्सन चॉइसेस को एंड करेंगे, जो भी इनके लाइफ में कन्फ्यूजन है, चॉइसेस हैं, उसको एंड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा एक्टिवेशन। देखिए यहाँ पर भी क्राउन चक्रा एक्टिवेशन है, यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। सॉलिट्यूड, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी लोगों के पर्सन अवेकनिंग जर्नी में हो सकते हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि क्या चॉइसेस में से क्या चूज़ करना है और क्या छोड़ना है।
ताकि एक नई शुरुआत हो सके। किससे, किसके साथ आगे बढ़ना है और किससे मूव ऑन करना है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? जिस भी सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, वी हैव 99। कुछ साइकिल्स एंड होंगी ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके, ताकि ये वहाँ पर जा सकें जहाँ पर सक्सेस इनको अचीव करना है। देन वी हैव विजडम कार्ड ऑल्सो, यहाँ पर इनको इतना नॉलेज दिया जा रहा है कि इन्हें क्या चूज़ करना है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इनका इंट्यूशन इतना पावरफुल कर रही है एंजल्स। और कोई कार्ड क्लैरिफाई करना है? अवेयरनेस क्यों आया है मजिशियन? मजिशियन क्यों आया है? ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रीयूनियन और थर्ड पार्टी या जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं उसको ख़त्म करना, ताकि आपके साथ रीयूनाइट हो सके। तो आपके पर्सन यही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। सॉलिट्यूड में क्यों हैं आपके पर्सन? कार्मिक ट्रिगर्स देख लीजिए, अगेन 8 नंबर कार्मिक ट्रिगर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून विद मैसेज कार्ड। अभी हो सकता है आपसे डिस्टेंस में है, लेकिन बहुत सारे लोगों को 7 डेज के अंदर मैसेजेस रिसीव होंगे। मार्क माय वर्ड्स, 7 डेज 7 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप में से कई लोगों के लिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट मैसेज है रिकवरी, खुद को हील करें, रिकवर करें, खुद की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बैलेंस में रहें। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, बनता काम बिगड़ भी सकता है अगर आपने गलती कर दी तो। मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन से आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहें रोमांटिक लाइफ को लेकर। सो ये जो मैसेजेस हैं ये आज के दिन में निकल कर आए हैं। होप आपको इन मैसेजेस से कुछ क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो और आने वाले समय में रेजोनेट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।